ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, देखिए ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं सभी अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इस सर्वव्यापी बल को ही आकर्षण बल बोला जाता है, यानी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तु जिस बल द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उन्हीं आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब इसके बारे में देखिए, इस बल का मान वस्तुओं के बीच रखे माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह संरक्षी बल का एक उदाहरण है। संरक्षी बल मतलब जिस बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जिस बल के द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होगा उसे संरक्षी बल कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसा ही एक बल है। यह केंद्रीय बल है, अर्थात इसकी दिशा दोनों कणों यानी द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यह बल दीर्घप्रास बल है। यह बल हमेशा आकर्षक यानी अट्रैक्टिव प्रकृति का होता है और यह न्यूटन के तृतीय गति नियम की ही उत्पत्ति है। देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं अंतरिक्ष में तैरने की स्थिति में आ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तु अस्थिर है वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो सभी वस्तुएं अंतरिक्ष में तैरता नजर आएगा। उसके बाद इसी बल के संदर्भ में न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यानी न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है। और ये जो नियम न्यूटन ने दिया उसके अनुसार किसी भी माध्यम में रखी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया उसके अनुसार किसी भी माध्यम में रखी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि M1 और इससे कुछ दूरी, मान लीजिए इससे R दूरी पर एक दूसरे वस्तु M2 द्रव्यमान का रखा हुआ है तो ये दोनों के बीच देखिए आकर्षण बल लगेगा। ये इसको आकर्षण करना चाहेगा और ये इसको आकर्षण करना चाहेगा, तो इसी को हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और ये बल देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, अर्थात ये बल समानुपाती हो जाएगा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। और यफ समानुपाती को हटाएंगे तो एक बराबर और एक नियतांक, तो यहाँ कैपिटल जी नियतांक पड़ेगा M1 M2/R का स्क्वायर। इसको समीकरण दो मान लीजिए या दूसरा फॉर्मूला इसको समझ लीजिए। तो यफ इक्वल टू हो गया जी M1 M2/R2। ये यफ ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। और ये जी, देखिए जी का मान हम यहां से निकाल सकते हैं। जी इक्वल टू हो जाएगा यफ गुना R2 बटा M1 M2। तो ये जी के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखिए, ये जो जी है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसके मान
का पता सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कैवेंडिश कैवेंडिश ने लगाया था और इसका मान आया था 6.67 × 10⁻¹¹। और देखिए ये तो इसका मान हो गया, और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और आर क्या है दूरी, तो दूरी के लिए मीटर स्क्वायर, और बटा क्या है केजी गुना केजी यानी केजी का स्क्वायर, तो प्रति केजी स्क्वायर, ये SI पद्धति में। और अगर इसको CGS में निकालेंगे तो CGS में हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹¹। देखिए CGS में न्यूटन के बदले हम लोग डाइन का प्रयोग करेंगे, और मीटर के बदले सेंटीमीटर का, और केजी के बदले ग्राम का, ये हो जाएगा CGS पद्धति में। और ये अदिश राशि हो जाएगा, उसके बाद इसका बीमा हो जाएगा यम इनवर्स यल पर 3 t/-2। यदि यम वन और यम टू ये दोनों का द्रव्यमान हम 1 kg ले लें और दूरी यानी आर को भी 1 मीटर कर दे, तो देखिए एफ इक्वल टू हो जाएगा जी। और यदि आर का मान 1/2 × हो तो यानी अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच का दूरी आधा कर दिया जाए, तो देखिए बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है वो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी बल जो है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो गया। उसके बाद यदि आर 2 गुना हो जाए यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच का जो दूरी है वो 2 गुना बढ़ जाए, तो बल देखिए 1/4 गुना यानी कि 1/4 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी वर्तमान मान के आधी कर दी जाए। देखिए जब भी दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी आधा करेंगे, जब भी दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी आधा करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा, यानी कि पहले के मान का आधा ये नहीं हो सकता है, पहले के मान का 2 गुना भी नहीं होगा, पहले के मान का 1/4 भी नहीं होगा, पहले के मान का 4 गुना यानी इसका 1/4 सही है। देखिए इसको आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, चूंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं दो तरीके से। देखिए सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि एफ समानु एफ जो है उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 और दूरी को कर देना है आधा, तो 1/2 होल स्क्वायर और 1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा 4, यानी कि बल जो है 4 गुना हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड देखिए, चूंकि एफ इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एक अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एफ डैश जी
द्रव्यमान तो वही है, यम वन यम टू दूरी को आधा कर दिया गया है, तो आर बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि जी यम वन यम टू बाई आर स्क्वायर बाई दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी एफ डैश इक्वल टू, ये देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू जी यम वन यम टू बाई आर स्क्वायर, यानी कि 4, देखिए समीकरण 1 से जी यम वन यम टू बाई आर स्क्वायर को हम लोग एफ का, देखिए तो सेकेंड बल जो है एफ डैश वो कितना हो गया 4 एफ, यानी पहले का जो बल था उसका 4 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का बीमीय सूत्र है। पहला ऑप्शन है यम पर पावर -1, एल पर पावर 3 और टी पर पावर -2। दूसरा ऑप्शन है यम एल पर पावर 3, टी पर पावर -2 और ये सी नंबर है यम पर पावर -1, एल टी पर -2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमीय सूत्र होता है यम इनवर्स एल की और टी पर -2, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।